लोकसभा चुनाव में सपा बसपा गठबंधन के बावजूद उत्तर प्रदेश में उम्मीद से अच्छा प्रदर्शन न होने पर सपा बसपा गठबंधन मंगलवार को टूट गया। समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा कि मैं समझता हूं कि उनकी पार्टी और हमारी पार्टी दोनों स्वतंत्र हैं और दोनों स्वतंत्र हैं। इसके लिए ही कौन कहाँ से लड़े, कहाँ से समझौता करे के तहत एक दूसरे को सीटें दी गई थीं। अब उपचुनाव लड़ना चाहती हैं तो हमारी पार्टी भी लड़ेगी। उसने उसमें आंतरिक रणनीति क्या है दोनों नेताओं की, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और भी बेहतर बता पाएंगे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रहलाद यादव ने कहा, मुझे पूरे दिल से और पूरे आदर सम्मान से अपना बड़ा बड़ा आदर, और मैंने भी उनको अपने सभी पुराने किले सिक्कों को बुलाकर व्यापक देश तथा अपने बड़े से केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे, बल्कि ये रिश्ते आगे भी हर सुख दुख की घड़ी में हमेशा ऐसे ये मीडिया गठबंधन टूट गया है शब्द का इस्तेमाल कर रही है। मैं समझता हूँ कि उनकी पार्टी और हमारी पार्टी दोनों स्वतंत्र दल हैं, और दोनों स्वतंत्र हैं इसके लिए कि कौन कहाँ लड़े कहाँ न लड़े, और एक समझौते के तहत एक दूसरे को सीटें दी गई थी। अब अगर वो चुनाव लड़ना चाहती हैं तो हमारी पार्टी भी लड़ेगी, उसमें आंतरिक राजनीति आंतरिक रणनीति क्या है दोनों नेताओं की, ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और बेहतर बता पाएंगे। वैसे आज बीएसपी ने जो प्रेस नोट जारी किया है मीडिया को, उसमें बीएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने खुद ये स्वीकार किया है कि अभी हमारा ये ब्रेकअप नहीं है, हम आगे इस पर रणनीति में सुधार ला सकते हैं, बना सकते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी सक्षम है उत्तर प्रदेश में चुनाव जीतने के लिए, और समाजवादी पार्टी एक कैडर बेस की पार्टी है। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो भी फैसला लेंगे उस फैसले के साथ हम लोग हैं, और उस फैसले के साथ रह करके जहां भी उपचुनाव होगा वहां समाजवादी पार्टी जीत दर्ज करेगी। जी अबे उनकी गिनती पता नहीं कहाँ से है, किस आधार पर उन्होंने कहा है, लेकिन मेरी गिनती में गोरखपुर जिले में मायावती जी के दो उम्मीदवार यहाँ लड़े थे, एक बांसगांव से श्री सदल प्रसाद जी, और संत कबीर नगर लोकसभा की एक विधानसभा खजनी वो आती है गोरखपुर जिले में। इन चारों विधानसभाओं में चिल्लूपार, चौरी चौरा, बांसगांव और खजनी, खजनी का मैं खुद रहने वाला हूँ, मैंने खुद वोट दिया है बहुजन समाज पार्टी के हाथी निशान पर, और हमारे यहाँ पूरे तौर पर वोट कैडर बेस का सारा वोट ट्रांसफ़र हुआ है बीएसपी को, तो ऐसे में हमारे समझ से यहाँ के बारे में ऐसी कोई बात नहीं है। अब कहाँ हुआ है इसे वही बता पाएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि ये समाजवादी पार्टी का जो वोट ट्रांसफ़र हुआ है बहुजन समाज पार्टी में, ये लगभग हर जगह कोर वोटर जो है हमारा वो उनको वोट दिया है।